फ्रेंड्स, आरसी ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ईशा रस्तोगी और मैं आज आपको बताऊंगी कि हम ट्रेड डिस्काउंट कैसे शो ऑफ करते हैं अपने बिल में। हाँ, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम टेलीग्राम को ओपन कर लेंगे और इसमें वाउचर में जाके एक एग्जांपल के तौर पे हम सेल्स की एंट्री करेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे, यहाँ पे सेल्स डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एक आइटम अपना ले लेंगे। इसमें क्वांटिटी लिख के हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम आगे कोई और आइटम लेना चाहते हैं तो हम वो भी ले लेंगे, इसमें भी फिर हम क्वांटिटी लिख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर अब फ्रेंड्स हमें अपना डिस्काउंट इसमें अलाउड करना है। हम सेल्स कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड करना होगा, तो वो कैसे करते हैं? यहाँ पर जब हम अपने आइटम्स ले लेते हैं फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे हम आ जाते हैं तब यहाँ पे हम और सी करके एक लेज़र क्रिएट करते हैं जिसे हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउ का, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको परचेस की एंट्री में दिखा दूंगी। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने, फिर यहाँ पे हम कितना परसेंट इस चीज़ में डिस्काउंट दे रहे हैं वो कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2% कर रही हूँ तो 2% में ले लूँगी और यहाँ पे मेरा डिस्काउंट अलाउड हो गया है। फिर मैं CGST और SGST भी इसमें लगा दूंगी। हम CGST SGST बाद में इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारी जो अमाउंट है उसमें डिस्काउंट अलग से होने के बाद वो अमाउंट शो हो। अगर हम पहले लगा देंगे तो उससे मिसमैच हो सकता है। फिर इसे एक्सेप्ट कर देंगे और ऐसे ही हमारा जो सेल्स है उसमें हम अपनी ट्रेड डिस्काउंट को शो ऑफ करते हैं। देन F9 करके परचेस में हम आ जाते हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके से हम एक पार्टी नेम ले लेंगे और अब इसमें हम परचेस लेके यहाँ पर भी एक आइटम ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक आइटम और ले लिया और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्रिएट करने के लिए कह रही थी। और सी करेंगे, यहाँ पे हम डिस्काउंट रिसीव का वो बनाएंगे लेज़र, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है उसमें, हम अलाउड कर रहे थे जब हम सेल्स कर रहे थे इसलिए उसमें डिस्काउंट अलाउड का था। डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में जाता है और जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। यहाँ पे हम GST को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पर हम इंक्लूड इन एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर्म में GST को यस करेंगे। देन गुड्स लेके यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू पे मेटेड कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू कर देंगे और इसे यस कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट चाहिए, मतलब कितने परसेंट का हमें मिल रहा है वो यहाँ पे हम डाल देंगे, कितने परसेंट है, 2%, 5% या जितना भी। फिर यहाँ पे ये अमाउंट हमारी आ जाएगी। CGST करेंगे, SGST करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम जो डिस्काउंट है उसे दिखाते हैं, ऐसे ही इसे शो ऑफ करते हैं, ऐसे ही बिल में अपना डिस्काउंट जो है हम शो कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। और थैंक यू, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।